हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 साइंस का, जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इससे पहले इसका बहुत ही अच्छे से डिटेल कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख लेना या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है और उसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा इजी वे के अंदर हम पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज इसी वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही ज़्यादा इजी आपकी एक्सरसाइज है, आपको बस लास्ट तक ध्यान से बने रहना है ताकि आपको अच्छे से समझ सको आप कि कैसे हमें कोई भी चीज़ जो है उसको सॉल्व करना है, कैसे हमें पता चलेगा आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है ताकि आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। आपको क्या करना है, जो नीचे आपको इतने सारे अलग अलग चेंजेस दे रखे हैं आपको बताना है इनमें से कौन से फिजिकल चेंज है और कौन से केमिकल चेंज है। हमने अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे ना कि फिजिकल चेंज कब होता है और केमिकल चेंज कब होता है। केमिकल चेंज तभी होता है जब कोई नई चीज़ बनती है, और फिजिकल चेंज में वही चीज़ रहती है, बस उसको अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप रहोगे तो, जैसे आपका नाम राम है तो आप रहोगे तो राम ही ना, चाहे आपकी हाइट बढ़ जाए, चाहे आप मोटे हो जाओ, चाहे आप काले हो जाओ, चाहे आप गोरे हो जाओ, तो यानी आप राम ही रहोगे। तो वैसे ही फिजिकल चीज़ों में जो चीज़ है वो वैसी ही रहेगी, बस उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, पूरी की पूरी चीज़ ही बदल जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आलू है, आलू को चिप्स बना दिया, तो क्या है ये, इसके अंदर जो प्रोसेस लगा है वो तो केमिकल चेंज आएगा ना, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, उसमें फिजिकली है तो वो आलू ही, तो उसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला देखो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, एक तो केमिकल चेंजेस में हमने ये भी देखा था कोई गैस क्या है वो बनती है और वो रिलीज हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो हमारे जितने भी पौधे हैं वो अपने लिए खाना भी बनाते हैं, लेकिन साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे। यानी उन्होंने क्या लिया, किसी चीज़ का यूज़ किया और एक दूसरी चीज़ बनाई। जैसे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली और उन्होंने एक नई चीज़ बनाई, क्या बनाई, ऑक्सीजन बनाई। उन्होंने अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लिए और अपने लिए क्या बनाया, खाना बनाया। यानी उन्होंने एक चीज़ ली और एक नई चीज़ बना दी, और नई चीज़ किस में बनती है, केमिकल चेंज में। जो फर्स्ट जो आपका फोटोसिंथेसिस है, ये क्या है, केमिकल चेंज है, क्या ये केमिकल चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट में बोला है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। अब इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं बन रही है ना, रहेगी तो वो चीनी, बस वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, है तो वो चीनी ना, मीठी मीठी लगेगी, ऐसा तो है नहीं कड़वी बन गई है, कुछ और बन गया है, तो वो शुगर ही। तो इसीलिए हम कहेंगे डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर क्या रहेगा, आपका फिजिकल चेंज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। अगर आप किसी कोयले को जलाते हैं तो उसकी राख बन जाएगी, क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। अब वो तो कोल नहीं रहेगा ना, ऐसे तो आप कह दोगे कि मैम वो है तो कोल ही है, तो उसकी राख नहीं, उसकी दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। पहले वो अलग तरीके की प्रॉपर्टी रखता था, अब वो अलग तरीके की प्रॉपर्टी रखता है। और जहाँ पे भी बच्चों बर्निंग की बात आती है ना, वहाँ पे आपकी CO2 गैस रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो गैस अगर निकल रही है तो वो क्या रहेगी, आपकी केमिकल चेंज रहेगी, बिल्कुल सही। और साथ में ही अब उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, और किस में प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं, आपकी केमिकल चेंज में। तो आपका बर्निंग ऑफ कोल क्या रहेगा, आपका केमिकल चेंज रहेगा। लगभग सारी ही चीज़ें जो भी आप जलाते हो ना, उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि उसमें गैस निकलती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट डी पार्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स क्या होता है, वैक्स जो कैंडल होती है ना आपकी, मोमबत्ती जिससे बनी होती है, उसको वैक्स कहते हैं। अलग अलग टाइप के भी होते हैं वैक्स, तो जो वैक्स है बीज का भी होता है, मधुमक्खियों का भी वैक्स होता है, तो हम बात कर रहे हैं अभी मोमबत्ती वाले वैक्स की। अगर आप उसे पिघाल दोगे, अगर आप वो पिघल जाएगा, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो छोटी सी हो जाती है ना, तो क्या हो रहा है, तो देखो मेल्ट हो रही है, यहाँ पे मेल्ट हो रही है, बर्निंग नहीं लिखी, ऐसे नहीं बोल रहा आप जला रहे हो, सिर्फ मेल्ट कर रहे हो। तो अगर सिर्फ मेल्ट कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, रहेगी तो वो मोमबत्ती है ना, वो पिघल जाएगी तो भी है तो वो मोमबत्ती ही, तो आप इसको बोलोगे ये एक फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता बर्निंग ऑफ कैंडल तो क्या बनता, वहाँ पे CO2 गैस निकलती और वो एक केमिकल चेंज बन जाता, तो उसमें केमिकल चेंज भी छुपा होता, क्योंकि उसमें गैस निकल रही है और पिघल भी रही है, मेल्ट हो रहा है वैक्स, तो वो फिजिकल भी है, यानी वो दोनों चीज़ें हैं।
नेक्स्ट है बीटिंग ऑफ अलूमिनियम टू मेक अलूमिनियम फॉइल। अलूमिनियम को हम इतना ज़्यादा पीटेंगे, आपका काम नहीं है इसको पीटना, वो जहाँ पे इसका काम होता है, जो अलूमिनियम फॉइल नहीं लगाते हम, ये अलग अलग तरीके की आती हैं, आप खाने पे रोल करके लेके जाते होगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो फॉइल है, ये अलूमिनियम जो आपके पास होता है मेटल, इसको अच्छे से बीट करके, इतनी ज़्यादा पिटाई होती है ना इसकी, तभी पतला सा फ्लैट हो जाता है और एक फॉइल बन जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, तो देखो आप इसको बीट कर रहे हो, पहले भी एल्यूमिनियम था, अब भी एल्यूमिनियम का ही फॉइल है, बस वो पहले एक मेटल के रूप में था, अब उसको क्या बना दिया गया है, अब एल्यूमिनियम फॉइल बना दी गई, यानी एक पतली सी लेयर बना दी है, तो वो एल्यूमिनियम, बस हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया, वो दिखने में अलग हो गया है। तो एल्यूमिनियम दोनों जगह है, तो क्या है ये बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी, फिजिकल चेंज है। तो नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो आप खाना खाओगे तो इसमें दोनों छुपे होते हैं, डाइजेशन में दोनों छुपे होते हैं, जब अपनी दांतों की मदद से खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे तो रहेगा तो वो खाना ही, बस उसका साइज चेंज हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, लेकिन जब आपके पेट में जाएगा ना खाना, तो वो धीरे धीरे पूरा डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, डाइजेशन आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है, जब सलाइवरी ग्लैंड्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे पेट में जाके वो पच जाएगा। तो यहाँ पे जब डाइजेशन की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि लास्ट तक जो फूड है वो पूरा कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया और हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उससे एनर्जी बना लिया, इसी वजह से हम इसको केमिकल चेंज कहते हैं, वरना इसके अंदर दोनों चेंज छुपे होते हैं। लेकिन अगर सिंपली पूछे डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, तो आप केमिकल चेंज बोलोगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हमारे पास होते हैं, खाना में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बन जाता है, हमें बहुत सारे विटामिन्स भी मिलते हैं खाने के जरिए, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि प्रॉपर्टी ही बदल जाती है खाने की, वो क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कोई भी डाउट हो बिल्कुल फ्री होके मुझे कमेंट में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी आपका डाउट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या फिर गलत है। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। अगर कोई भी चीज़ गलत है ना, तो आपको बतानी है कि ये सही क्या हो सकती थी, ठीक है, अपनी नोटबुक में आप लिखना, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते मुझे। तो फर्स्ट देखो ए पार्ट, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इंटू पीसेस इज़ अ केमिकल चेंज। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बोला है कि जब आप लॉग को, यानी एक लकड़ी का जो टुकड़ा कह सकते हो आप, उसको काटोगे तो वो केमिकल चेंज है। हमने देखा था कि अगर हम किसी लकड़ी को काटेंगे तो वो लकड़ी तो रहेगी ना, उसमें और कुछ तो उसकी प्रॉपर्टी बदल नहीं गई, कोई नई चीज़ तो बननी नहीं है, तो वो लकड़ी, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये क्या है आपका, फिजिकल चेंज है। क्या है बच्चों, ये फिजिकल चेंज है। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट करके अपनी नोटबुक में कैसे लिखोगे, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इंटू पीसेज इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका ए पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट देखो, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। अब इसमें बोला है कि जो मैन्योर होती है, जो खाद बनती है ना पत्तों से, क्या वो एक फिजिकल चेंज है, तो देखो ये फिजिकल चेंज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया इस पर अटैक करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको केमिकल छोड़ते हुए अलग अलग तरीके के उसमें लिक्विड फॉर्म होते हैं और तब जाके वो क्या बनती है, वो एक मैन्योर खाद बनती है। तो ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है। क्या है बच्चों, ये केमिकल चेंज है, और इसमें भी कुछ गैसेस आपकी इवॉल्व होती है। तो हम बोलेंगे करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। तो ये स्टेटमेंट भी हमें गलत दी थी, तो ये फॉल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। हमने एक गैल्वनाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था ना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आयरन के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर हमने उनके ऊपर एक जिंक की लेयर बना दी है, तो हम उसे बोलेंगे वो हमने गैल्वनाइजेशन कर दिया है। तो इसमें यही कहा है कि अगर आप कोई आयरन का पाइप लेते हैं, लोहे का कोई पाइप लेते हैं और उस पर जिंक की कोटिंग हो रखी है, तो वो आसानी से जंग नहीं लगेगी उसमें, आसानी से रस्टेड नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि गैल्वनाइजेशन के बाद इतनी जल्दी जंग नहीं लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डी पार्ट देखो, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आयरन अलग है, रस्ट अलग है। अगर ये आयरन है तो इसके ऊपर अलग से जो एक कोटिंग हो जाती है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन और वाटर की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं रस्ट। तो ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, सेम की जगह क्या लिखोगे बच्चों, डिफरेंट लिखोगे, क्योंकि आयरन और आपकी जो रस्ट है वो दोनों ही क्या है, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस।
अब ई पार्ट देखो, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। अब इसमें बोला है जो स्टीम है अगर वो भाप बन रही है और उसके बाद कंडेंसेशन जो हो रहा है यानी वापस से वो लिक्विड के अंदर बनती जा रही है, तो क्या वो एक केमिकल चेंज नहीं है? तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये केमिकल चेंज नहीं है, इसमें कोई केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं, कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है उसकी एक कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। वो पहले क्या थी? भाप थी, अब वो लिक्विड बन गई है। वैसा यही है जैसे आइस को आपने क्या किया, वाटर के अंदर कन्वर्ट किया, वाटर को वापस आइस के अंदर कन्वर्ट किया, तो ये क्या होता है? ये फिजिकल चेंज होता है। वैसे ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो नीचे स्टेटमेंट दे रखी है क्या करने? फिल इन द ब्लैंक्स करने। फर्स्ट पार्ट देखो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। ये मैंने आपको पूरी अच्छे से समझाई, अगर आपको बहुत ही अच्छे से पूरे डायग्राम के साथ समझनी है ना तो आप फिर से बोलूँगी मैं अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना। एक ही छोटी सी वीडियो के अंदर ही पूरा चैप्टर समझाया हुआ है, इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ही मज़ा भी आएगा, तो आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को, बताया था ना इसका फॉर्मूला CO2 होता है, जब हम CO2 गैस को लाइम वाटर चूने वाले पानी से पास करते हैं तो वो मिल्की कलर का हो जाता है, एकदम दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है, तब वो क्या बनाता है? तब वो क्या बनाता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। तो ये आपके थोड़े से सिलेबस से बाहर है, बस आप इसको जान सकते हो, एक जानकारी ही आपके लिए। बाद में जैसे आप आगे साइंस पढ़ते जाओगे आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी आप ध्यान रख सकते हो कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारते हैं, उसको पास करते हैं, तो वो सफ़ेद कलर का क्यों हो जाता है? क्योंकि वो क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आप ऐसे याद रख सकते हो, हमारी हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। हड्डी कैसी होती है? सफ़ेद होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड सफ़ेद कलर बना देगी, जब वो लाइम वाटर से जाएगी, तो वो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ये आपकी बुक में भी आया था ना कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। तो देखो, आपको दो मेथड बताने हैं जिससे कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं। तो गैल्वनाइजेशन आप हमेशा पहले स्थान पर लिखोगे, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में हमेशा गैल्वनाइजेशन लिखोगे। ग्रीजिंग और पेंटिंग दोनों एक जैसी चीज़ें, इसलिए हम इन दोनों में से कोई भी एक बाद में लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने पेंटिंग लिख दी है, इसकी जगह आप ग्रीसिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है? दो मेथड बताने हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के, तो एक हो गया गैल्वनाइजेशन, दूसरा हो गया पेंटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है डी पार्ट, इसमें चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल ये तो मैंने बताई दिया ना, फिर से पढ़ती हूँ आपके लिए। चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। इसमें बोला है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी चेंज होगी हम उन्हें फिजिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो हमने यहाँ लिख दिया फिजिकल, ठीक है। अगर यहाँ में जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेगा चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस, ऐसे सारे चेंजेस जिसमें नई चीज़ बनती है, बताया था ना नई चीज़ किस में बनती है? केमिकल चेंज में बनती है। और केमिकल चेंज को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम था ना इसका, क्या था? केमिकल रिएक्शन। क्या था? केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही। तो ई पार्ट भी कवर हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी आ गया होगा समझ। चले फिर आगे, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, एक्सप्लेन। इन्होंने बोला है जब आप बेकिंग सोडा को एक लेमन जूस के अंदर, जो नींबू का जूस होता है उसके अंदर अगर आप बेकिंग सोडा को मिलाओगे तो बहुत सारे बबल्स भी आते हैं और एक गैस भी निकलती है, ये किस तरीके का चेंज है प्लीज़ एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो देखो भाई कैसे आंसर लिखेंगे, डायग्राम की वजह से समझाती हूँ। तो आपने कटोरी ली, आप ये घर में भी कर सकते हैं, तो उसमें आपने लेमन जूस लिया। लेमन जूस कैसा होता है? खट्टा होता है। सौर क्या होते हैं? एसिड होते हैं, तो एक एसिड है ये। फिर बेकिंग सोडा आपका बेस होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है? बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। तो हमने क्या लिया? एसिड के अंदर हमने बेस मिलाया है और एक गैस निकली और बहुत सारे ऐसे से बबल्स भी फॉर्म हुए हैं। तो गैस कौन सी है बच्चों? CO2 है। अब हमने देखा था अगर कभी भी कोई गैस निकल रही है, कलर चेंज हो रहा है, ये सब किस में होता है? ये सब हमारा किस में होता है? ये हमारा होता है केमिकल चेंज में। तो अगर गैस निकल रही है तो क्या ये केमिकल चेंज है? तो हम यही यहाँ पे लिखेंगे, जब हम बेकिंग सोडा को, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, जब हम लेमन जूस के साथ बेकिंग सोडा को मिक्स करेंगे तो बबल्स फॉर्म होते हैं किस गैस के साथ? विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है, किसकी कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 बोलते हैं। और ये क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि गैस निकल रही है तो क्या है बच्चों? ये केमिकल चेंज है। इसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो आप, अगर देखो पेपर में अगर आप ये डायग्राम बना सकते हो ना,
तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई इतना सारा डायग्राम कौन बनाएगा, हमसे तो अच्छा नहीं बनता, वैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा, फिर भी अगर आपको नहीं बनाना तो आप ऐसी इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, टीचर को बताने के लिए हमने लेमन जूस लिया, इसमें हमने बेकिंग सोडा किया ऐड, तो हमने प्लस लगा दिया, फिर क्या बन गया, तो हमने एरो दिखा दी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई ना वो बबल्स के साथ गैस, और वो क्या, एक न्यू सब्सटेंस, और न्यू सब्सटेंस किस में बनता है, एक केमिकल चेंज में। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ केमिकल चेंज। और ऐसी इक्वेशन आप लिख देना, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और ये सारे आंसर्स मैंने खुद लिखे हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे से अपने आंसर्स को लिखना, ताकि टीचर को भी पता चल सके कि हाँ भाई हमें आता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब कोई मोमबत्ती जलती है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, वहाँ पे फिजिकल चेंज भी होता है और एक केमिकल चेंज भी होता है, आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, आपको यही बताना है कौन सा केमिकल चेंज हो रहा है और कौन सा फिजिकल चेंज हो रहा है। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस, और ऐसा ही आपको एक और एग्जाम्पल बताना है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों एक साथ होते हैं। तो अब देखो, ये मोमबत्ती बना दी मैंने आपके लिए, अब ये मोमबत्ती जलेगी, अब जैसे जैसे ये मोमबत्ती जलेगी वैसे वैसे ये पिघल पिघल के जो मोमबत्ती है उसकी वैक्स गिरती रहेगी। अभी मैंने ये आपको समझाया भी था ऊपर किसी क्वेश्चन में कि जब कोई मोमबत्ती जल रही है और सिर्फ वैक्स की मेल्टिंग की बात हो रही है, यानी सिर्फ और सिर्फ हम कह रहे हैं कि इसका वैक्स पिघल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि बाद में ये भी तो मोमबत्ती ही होती है ना, ये भी तो वैक्स ही होती है। तो और जब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल की, जब गैस निकलेगी, क्योंकि जब कोई चीज़ जल रही है तो वहाँ पे एक गैस निकलती है जो आपकी कौन सी होती है, CO2 होती है। CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कोई गैस निकल रही है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो आपका एक केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे आप, व्हेन अ कैंडल बर्न्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ कैंडल विद एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स आपका फिजिकल चेंज हो गया, बर्निंग ऑफ कैंडल आपका CO2 गैस जब निकल रही है तो वो केमिकल चेंज हो गया। अब ऐसा ही जब हमें एक और एग्जाम्पल देना है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे के दिखाती हूँ। जो एक एग्जाम्पल तो इसका ये है कि जब आपने H2O लिया और उसमें क्विक लाम लिया, ठीक है, आपने चूने का पानी लिया तो कैल्शियम बन गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या है, क्या है ये यहाँ पे क्या है, इसके साथ गैस भी निकल रही है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, राइट। तो इसी तरीके से ये केमिकल चेंज है, आप मुझे बताना इसमें आपको क्या फिजिकल चेंज नज़र में आया है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी आपने सही चीज़ सोची या नहीं सोची है। बाकी ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो। वरना देखो, आपके लिए एक एग्जाम्पल जो आप अपने पेपर में लिखोगे, मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है बर्निंग ऑफ वुड, इसकी जगह आप डाइजेशन भी लिख सकते थे, लेकिन डाइजेशन क्या है बच्चों, बहुत कॉमन है, तो डाइजेशन लगभग सारे बच्चे यही लिखेंगे। जब आप थोड़ा अलग लिखोगे तो आपको टीचर बढ़िया मार्क्स भी देंगे। तो बर्निंग ऑफ वुड, जब हम किसी भी लकड़ी को जलाते हैं तो देखो क्या होता है, जब हमने लकड़ी ली और हमने उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर काटा, तब क्या होगा, वो एक फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, क्या होगा, वो फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये लकड़ी है और यहाँ पे भी ये लकड़ी है। लेकिन जब आपने बर्निंग ऑफ वुड की, जब आपने इस लकड़ी को जलाया, पहले तो आपने इस लकड़ी को काटा, फिर आपने इस लकड़ी को जलाया, तो होगा क्या, यहाँ पे जब आप इसको जलाओगे तो गैस तो निकलेगी, और गैस कौन सी निकलती है, CO2 निकलेगी, तो CO2 गैस निकलेगी। अब गैस निकल रही है और ये जल के ऐसी ऐश बन जाएगी, इसकी राख बन जाएगी, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी, या एक गैस भी निकल गई CO2, तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया। इसके अलावा अगर आप डाइजेशन लिखना चाहते हो तो आप डाइजेशन भी लिख सकते हो, और डाइजेशन में आप क्या लिखोगे, डाइजेशन में आप ये लिखोगे कि जब हम खाना खाते हैं तो जब हम अपने टीथ की मदद से उसको च्यू करते हैं, यानी चबाते हैं, तो हम सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर उनको तोड़ते हैं, तो उस समय वो खाना ही रहता है। आपने क्या किया, अपनी दांतों की मदद से उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। जैसे आप चॉकलेट खा रहे हो, तो जब आप अपने दांतों से चॉकलेट को तोड़ोगे तो वो चॉकलेट ही रहेगी ना, ऐसा तो नहीं वो करेला बन जाएगी, रहेगी तो चॉकलेट ही, तो वो फिजिकल चेंज हो गया। और जब वो चॉकलेट आपके पेट में जाएगी तो HCl से क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा और वो केमिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाइजेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इजी सा एग्जांपल चाहिए तो आप बर्निंग ऑफ वुड भी कर सकते हैं। ये वाला मुझे होमवर्क में बता देना, H2O प्लस क्विक लाइम जब कैल्शियम आपका कार्बोनेट बनाता है तो किस तरीके से आपके लिए यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें गैस एवोल्ड होती है, जो आपकी CO2 गैस होती है वो मैंने आपको बता ही रखा है, इसमें भी बबल्स वगैरह फॉर्म होते हैं, तो ये आप मुझे बता देना किस तरीके से आपको लग रहा है इसमें फिजिकल चेंज है भी या नहीं है, ठीक है।
देखो मैं आपके टेस्ट करना चाहती हूँ, आप मुझे बताओ कि इसमें कोई फिजिकल चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि केमिकल चेंज बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि मैं मेरी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे क्वेश्चंस के आंसर करके बताओ कि किस तरीके से आपको क्लियर कंसेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ वुड यू शो दैट द सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। आप कैसे बताओगे कि सेटिंग ऑफ कर्ड का मतलब होता है दही जमना, एक केमिकल चेंज है। अब दही किससे जमती है, दूध से जमती है, तो दूध की प्रॉपर्टीज़ क्या है, दूध की प्रॉपर्टीज़ अलग है और दही की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, दही की प्रॉपर्टीज़ अलग है, तो कैसे बताओगे कि ये केमिकल चेंज है। तो देखो हमारे पास जब भी हम क्या करते हैं, जब हम दूध को जमाते हैं तो हम उसमें थोड़ी सी एक तो दही डालते हैं ताकि वो दूध क्या है अगले दिन जम जाए और वो कर्ड बन जाए यानी दही बन जाए। तो ये केमिकल चेंज क्यों होता है, क्योंकि वापस से हम दही को दूध नहीं बना सकते। अब दूध से तो दही बना सकते हो, लेकिन कभी आपने देखा है कोई दही से दूध बनाता है, नहीं बना सकता ना, यानी ये क्या है, इरिवर्सिबल है। तो आप ज़्यादातर यही देखोगे जो केमिकल चेंज होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं, उनको आप वापस से चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि कोई लकड़ी जल चुकी है तो वापस उसको पहले जैसी लकड़ी तो नहीं कर सकते ना, आपने कोई पेपर लिया आपने उस पेपर को जला दिया, अब वापस जो जला हुआ है आपके पास जो राख आई है, क्या आप उससे वापस पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। तो वैसे ही मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, यानी दे आर नॉट रिवर्सिबल, आप उन्हें वापस पहले जैसा नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही ये केमिकल चेंज है, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे द सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज एज इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं और हम इस प्रोसेस को वापस पहले जैसा यानी वापस दही को दूध, मतलब दही को दूध में नहीं बना सकते, इसी वजह से ये क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। इसके अलावा एक आप ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार वन मार्क्स में, कि कौन सा बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है यानी दूध से दही बनाता है। देखो बैक्टीरिया के नाम से ये मत समझा करो कि सारे बैक्टीरिया बुरे हैं, नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो मिल्क टू कर्ड कन्वर्ट करता है, यानी दूध को दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस बनाता है, ये आपके दूध में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, दूध दही बन जाता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है जो क्या करेगा, मिल्क टू कर्ड कन्वर्जन करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इस आंसर को लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, सेवेंथ क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्लेन वाई बर्निंग वुड एंड कटिंग इट इंटू स्मॉलर पीसेज आर कंसिडर टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। अब बता रहे हैं बर्निंग ऑफ वुड एक अलग चेंज है, कटिंग इट इंटू स्मॉल पीसेज अलग चेंज है, ये अलग अलग टाइप के चेंजेस क्यों माने जाते हैं, ये एक्सप्लेन करो। ये ऑलरेडी मैं आपको एग्जाम्पल भी दे चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कैसे लिखना है। बर्निंग ऑफ वुड इज कंसिडर एज केमिकल चेंज, हमने देखा था जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है, इसलिए हम इसको केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि एज इट इज़ कन्वर्टेड इंटू ऐश, एक तो उसकी राख बन जाती है, प्रॉपर्टी अलग होगी विद एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, एक इसमें गैस निकल रही है, तो दोनों ही क्या है हमारी केमिकल चेंजेस हैं, तो इसलिए क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। लेकिन जब हम कटिंग ऑफ वुड की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता है वुड की, वो वुड लकड़ी लकड़ी ही रहती है और कुछ अलग नहीं होता उसके अंदर, इसलिए वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। अगर आपके टीचर ने नहीं करवाई एक्टिविटी, अपने टीचर को कहना प्लीज़ सर प्लीज़ मैम करवा दो हमें ये, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी एक्टिविटी है, बहुत ही आसानी से आपके टीचर इसको करवा सकते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है जो कॉपर सल्फेट होते हैं इसके क्रिस्टल्स कैसे बनाए जाते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ये भी बताया था मैंने आपको। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है आपके लिए, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब भी हम क्रिस्टल बनाते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी चीज़ से क्रिस्टल्स बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन बीकर। आपके टीचर क्या करेंगे, आपके टीचर बीकर लेंगे और उसमें एक कप पानी का भर के डालेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये करेंगे। उसके बाद आपके टीचर क्या करेंगे, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, ये प्योर नहीं है, मतलब ये इतना खतरनाक एसिड नहीं है, इसमें हमने ऑलरेडी और चीज़ें मिला के इसको डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है, कम स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। तो अब कुछ क्या ड्रॉप्स ऐड करेंगे आपके टीचर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की करेंगे, फिर उसको हीट देंगे बर्नर की हेल्प से, ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर आप थर्ड स्टेप में बताओगे व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब ये उबलने लग जाएगा आपके टीचर एक चाइना डिश लेंगे, चाइना डिश ऐसी कटोरी जैसी दिखती है, और डबल बॉयल करेंगे। डबल बॉयल का मतलब है इसके नीचे ऑलरेडी एक चीज़ बॉयल हो रही है और उसके ऊपर ये बॉयल हो रहा है, उसकी स्टीम से उसकी भाप से ये बॉयल हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हम कॉपर
सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे और हम उसको डबल बॉईल करेंगे, और जब ये हो जाएगा तब इसको ठंडा करेंगे, हम इसको फिल्टर कर देंगे और इस सॉल्यूशन को अलाउ करेंगे कि ये ठंडा हो सके। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ CuSO4। आपको कुछ टाइम के बाद ये जब ठंडा हो जाएगा आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे CuSO4 के। मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, कितने खूबसूरत थे ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, एकदम चमकते हैं ये, ठीक है। ब्लू कलर का होता है CuSO4। अब 9th क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आपको बताना है कि जब कोई लोहे का गेट है और अगर उस पर हमने पेंटिंग कर दी है तो इससे कैसे बचेगा वो रस्टिंग से, इससे कैसे बचाव होगा उसका जंक लगने से। तो इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे, पेंटिंग स्टॉप्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन गेट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, दस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। मैंने बहुत ही आसान आपके लिए लिखा है आंसर कि जो पेंटिंग है इससे क्या होगा, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, अब जो गेट है आपका लोहे का वो सीधा कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा ऑक्सीजन और वाटर के, और इससे क्या होगी, रस्टिंग उसकी नहीं होगी और इसका बचाव होगा रस्टिंग से। क्योंकि आपने देखा था कि रस्टिंग के लिए आयरन में रस्ट कब लगता है, जंग कब लगता है, जब वो किसके कॉन्टैक्ट में हो, ऑक्सीजन के और वाटर के। लेकिन अगर आपने कोई आयरन लिया हो इसके ऊपर पेंट कर दिया तो अब इस पेंट के ऊपर अटैक होगा ना आयरन, हमारे जो आयरन गेट है वो तो बच जाएगा, वो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आया ही नहीं, इसलिए हम लिखेंगे पेंटिंग स्टॉप द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन गेट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। तो कोस्टल एरियाज वो होते हैं जो पानी के किनारे होते हैं, तो ऐसी जगह जो पानी के किनारे हैं वहाँ पे जल्दी जो लोहे की चीज़ें होती हैं उन पे जल्दी कैसे जंक लगता है, लेकिन जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वहाँ इतनी जल्दी इन पे जंक नहीं लगता है। क्यों लगता है इन पे? क्योंकि हमने देखा था कि जंक लगने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमें पानी चाहिए। तो पानी कहाँ पे ज़्यादा होगा, रेगिस्तान में होगा या कोस्टल एरियाज, पानी वाले इलाके में होगा, कोस्टल एरियाज में होगा ना, इसी वजह से तो इन पे जल्दी जंक लगेगा। तो वही लिखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब है ऑक्सीजन और वाटर जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होती है जिसकी वजह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है आयरन की चीज़ों का वाटर और ऑक्सीजन के साथ, इसी वजह से यहाँ जल्दी क्या लगती है बच्चों, रस्ट लगती है, जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन देखो, द गैस वी यूज़ इन द किचन इज कॉल्ड LPG। अब LPG का फुल फॉर्म आ सकता है, ध्यान से देखो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो आपकी मम्मी सिलेंडर यूज़ करती है जिससे खाना बनता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, और ये कैसी होती है, लिक्विड होती है, सिलेंडर के अंदर लिक्विड है। जब आपके गैस स्टोव से निकलेगी ना तब क्या बन जाएगी, ये गैस बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, लिक्विड रहती है सिलेंडर के अंदर, और जब आप इसका यूज़ करोगे तो ये गैस बन जाती है, इट बिकम्स अ गैस। जब आपके सिलेंडर से बाहर आएगी तो ये गैस बन जाएगी, ये तो आपका चेंज ए हो गया। तो चेंज ए क्या हो गया कि लिक्विड से गैस बन गई है, उसके बाद देन इट बर्न्स, और जब ये जलेगी तो क्या हो जाएगा, जल रही है, ये गैस से क्या हो रही है, जल रही है, बर्न हो रही है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन्स टू दीज चेंजेस, आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है, चूज द करेक्ट वन। ये सारी इन पे इनसे रिलेटेड बताई गई हैं, केमिकल चेंज ए से और सॉरी चेंज ए और चेंज बी से आपको बताना है, ये केमिकल नहीं है फिजिकल है, ठीक है। तो फर्स्ट में बोला है प्रोसेस ए इज केमिकल चेंज, तो प्रोसेस ये था कि लिक्विड से गैस बन रही है, चीज़ तो वही है बस स्टेट चेंज हो रही है ना, तो स्टेट चेंज तो फिजिकल में होती है, चाहे वो लिक्विड हो गैस हो एक ही चीज़ है, जैसे आइस हो चाहे वो वाटर हो है तो एक ही चीज़ ना, तो इसीलिए लिक्विड से गैस को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे ना कि केमिकल चेंज। और चेंज बी में नेक्स्ट बोला इज अ केमिकल चेंज, अब इसमें गैस थी बर्न हो रही है, बर्न हो रही है तो CO2 गैस निकलेगी, तो ये केमिकल चेंज है, तो सेकंड ऑप्शन तो सही है। आगे देख लेते हैं कोई और सेम तो नहीं है, ए और बी दोनों केमिकल चेंज है, ये गलत है, फर्स्ट भी गलत था क्योंकि ए क्या है, एक फिजिकल चेंज है, और ए हमारा केमिकल चेंज बोला है तो ये भी गलत है। नन ऑफ दिस प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज, ये भी गलत है क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है कि जो हमारा प्रोसेस बी है वो क्या है, केमिकल चेंज है। अब नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा है, अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। एरोबिक और अनएरोबिक क्या होता है, ये आपने बायो के अंदर पढ़ा होगा, एक के अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और दूसरे के अंदर जरूरत नहीं होती है। अनएरोबिक के अंदर हमें जरूरत नहीं होती ऑक्सीजन की, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, ये एनिमल का जो वेस्ट होता है, जो एनिमल पॉटी कर देते हैं उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी उसको खा लेते हैं और उससे बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। तो ये चेंज ए हो गया, इसमें क्या हो रहा है कि जो एनिमल गैस, एनिमल वेस्ट था, एनिमल गैस नहीं, एनिमल वेस्ट जो था, इन्होंने उस चीज़ को क्या बनाई, बायोगैस बनाई, ये गैस बन गई, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे केमिकल चेंज किए हैं बच्चों, क्योंकि इन्होंने डाइजेस्ट किया है ना उस चीज़ को, यहाँ पे लिखा है डाइजेस्ट, और हमने देखा था डाइजेशन क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, तो चेंज ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया।
अब नेक्स्ट दे रखा है द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज फ्यूल, अब उसको जलाएंगे। अब जलाने की बात आ गई तो CO2 गैस तो निकलेगी ही, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी? अब देखो CO2 निकल रही है तो हमारा B वाला भी केमिकल चेंज है, और फर्स्ट के अंदर बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगा तो वो भी केमिकल चेंज है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसमें बोला है दोनों ही A और B क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, तो खत्म हो गई आपकी पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हों। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आपको बताना है कि उसके अंदर फिजिकल चेंजेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि जब हम पानी को क्विक लाइम में मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, पूरा लिख देती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज है या सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज है या दोनों है, कैसे है आप मुझे एक्सप्लेन करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं देखना चाहती हूँ आप कितना अटेंटिवली इस क्लास को लगा रहे हैं और किस तरीके से आप इसको सॉल्व करके मुझे रिप्रेजेंट करेंगे आंसर, ये देखना चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखा था और जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत थी आपको बताया है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 हो गया है साइंस का, एनसीईआरटी क्लास 7, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए।